उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैवंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास दो घोड़े थे, छह जिरहें थीं, आठ तलवारें थीं, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरा पोश नौजवान था, 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था, उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे, खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैवंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुरबत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फूफी अपने भाई हमजा के लिए दो चादरे लेकर के कफन की आती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए, और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फूफो जो दो चादरें ले आई है, कहा एक चादर हम मुसअब बिन उमैर को दें। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है, और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। माँ काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से पटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे, कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा, और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुरबत की कहानी है, और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए दो चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना, और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी, अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इस खरनामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुरबत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था, और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनत पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं, चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है, जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है।
چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی، بندہ نواز، آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز، جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا۔ حضور سے عرض کی گئی، حضور آئے کھانا تناول کرنے۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہاں جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا،